हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम सबको। तो अभी सुबह सुबह का काम हमारा शुरू हो गया। तो ये देखो मेरे आगे आगे रेखा चल रही है, लकड़ी लेके हुड़ हुड़ करती हुई जा रही है। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं घास काटने के लिए। तो ये देखो बारिश आई थी तो ये पूरा घास को लेटा दिया, इतनी तेज हवा आई थी। तो ये देखो पूरा घास हमारा लेट गया है, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर किसी ने समाड़ी घुमा दी हो। तो ये देखो पूरा घास झुक गया। यहाँ रास्ता हमने साफ किया था, वो भी अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा घास लेट गया है इसकी वजह से। तो ये रेखा आगे आगे जा रही है साफ करते करते। तो अभी सुबह सुबह का घास काटने का काम है हमारा अभी। तो भैंसों के लिए चारा लेके चलते हैं। तो ये पूरा ऐसे लेट गया है तो इसको काट लेते हैं ताकि ये रास्ता भी थोड़ा साफ हो जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए अभी ये इधर वाला घास थोड़ा काट लेंगे। यहाँ तो हमने काटा था एक दिन, लेकिन ये लेट गया दोबारा। ये देखो कितना नुकसान है। अगर इसी के ऊपर कंटिन्यू बारिश होती रहेगी तो ये पूरी जो घास है वो पूरा का पूरा सड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। ऐसे ऊपर ऊपर बारिश गिरती रहेगी कंटिन्यू तो ये सड़ जाता है। तो अभी ये देखो रेखा ने घास काटना भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी जमीन का स्कूल रहता है तो सुबह सुबह पूरा काम कर लेना पड़ता है, फिर उसको स्कूल भी जाना है, रेखा को खाना भी बनाना है, इसलिए काफ़ी काम रहता है सुबह सुबह, एक डेढ़ घंटा काम रहता है। फिर बाद में काम होता है वो हम दोनों धीरे धीरे करते रहते हैं। तो अभी आए थे हम घास काटने के लिए सुबह सुबह ही। तो अभी काट के थोड़ा सा इधर साफ सुफ कर लेते हैं, फिर वापस चलेंगे घर, फिर जमीन का टाइम हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो घास काट लेते हैं हम लोग। तो अभी हमारा घास काट के हमने रेडी कर दिया है यहाँ पर। तो अभी तो ज़्यादा वैसे है नहीं, इसीलिए कम ही ले जाना पड़ता है। तो एक और ये एक दो बड़े बड़े पुड़े हमने बना दिए हैं। यहाँ पर काफ़ी जगह साफ़ हो गई। यहाँ पर टंकी है हमारी ये पानी वाली, तो इसमें पानी चढ़ाने के लिए आना पड़ता है कोक खोलने के लिए। तो ये काफ़ी घास था, इसमें पता नहीं लगता है कोई साफ सूफ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हमने रास्ता साफ कर दिया। थैंक यू। अज वाड़ू है वो सार सार वाड़ू गए वाड़ लिया जी। लकड़ी है ले, लकड़ी बगैर क्या जाए। तो अभी रेखा बोल रही है थोड़ा सा और काट के चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और घास है, उसको काट लेते हैं, एक भारा बना देते हैं उसका भी हम लोग, फिर लेके चलेंगे। और ये हमारे पूरे साग के पेड़ लगाए हुए हैं हमने यहाँ पर। ये है क्या होगा आप लोग, देखो रेखा सोच रही है कहाँ से काटे। व्यथेट माई जाऊ पड़े बस थे जा है तू। तो अभी ये बड़ा बड़ा घास दिख रहा है उसको काटने के लिए बोल रही है, तो इसको काट लेते हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ये देखो पूरा घास का स्टॉक हमने कर दिया पूरे दिन के लिए। तो अभी ये सुबह का घास और शाम तक का घास हो गया। अभी कल सुबह ही घास काटने जाना पड़ेगा, अभी कोई दिन में घास काटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुबह ही पूरा घास काट लेते हैं। बोल दे तो सुबह सुबह ही पूरा घास काट लेते हैं, फिर तो पूरा दिन बहुत गर्मी रहती है तो आप कुछ काम कर नहीं पाओगे, इसलिए हम लोग सुबह सुबह ये पूरा घास घूस काटना जितना भी काम रहता है उसको सुबह सुबह ही निपटा देते हैं। और बारिश तो कल रात में आने वाली थी लेकिन बारिश ही आई नहीं, बिजली कड़कती रही और बादल गरजते रहे लेकिन बारिश कुछ भी नहीं आया। और ये रेखा अभी यहाँ पाड़े को बांधा था, अभी उसको दूसरी जगह बांध रही है। तो दो बैल और ये एक पाड़ा है वो तो ऐसे ही खेतों में खा खा के ही ये फुल हो जाते हैं, तो इनको कहीं और चारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। अरे बोल दे नाठू नाठू नाठू। तो अभी इसको यहाँ बांध देंगे तो ये दस थोड़ू मन हेडे बोध 10 बजे तक ये खा लेगा है। हाँ
पशु हे लाकड़म पर आई जाए थे पशु। तो ये देखो जैमिन को हमने काम दिया था कि यहाँ आग जला के गर्म पानी रखना, तो ना आग जली ना पानी गर्म हुआ। तो अभी मेरे को डांटेंगे करके ये बुक लेके पढ़ने बैठ गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखो आज दोपहर में रेखा का काम आ गया है। तो हमारे एक चाची जी आए थे, तो वो सारा बहुत सारे कपड़े लेके आए थे फिटिंग के, ये वो फॉल करना था। ये देखो एक साड़ी है, ऐसे करके काफ़ी सारे आइटम लेके आई थी। तो रेखा पूरे दोपहर बैठ के लगी हुई थी, कभी लाइट आ रहा था कभी जा रहा था सिलाई करने के लिए। तो ये देखो आज तो दोपहर में इसको सोने को मिला नहीं, तो आज ये पैसा कमाने में लगी हुई थी। तो अभी काफ़ी सारे आइटम इन्होंने करके दे दिया, सिलाई करके दे दिया। अभी ये साड़ी बची हुई है, इसको सिलाई कर रही है ये। ये काटे की साइड से कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, अभी भी टेढ़ा है बीच से। तो ये इसको सही करके फिर इसको सिलाई करना है, फॉल डालना है, ऐसे करके बहुत सारा काम देखे गए हैं चाची जी। तो ये अभी दोपहर में कर रही है, मैं तो सो गया था, अभी बादल गरज रहे तो मेरी नींद खुल गई, मैं उठ गया अभी। ये देखो कटिंग करने के कई सारे तरीके हैं, कभी बैठ के कटिंग किया जाता है, कभी खड़े खड़े कटिंग किया जाता है। तो ऐसे ही ये दर्जी काम करती रही, तो मेरे को लग नहीं रहा कि ज़्यादा काम चलेगा इसका। तो अभी ये दर्जीन खबर दोनों दोन। तो कभी कभी काम आता है ना, इसलिए ये भी भूल जाती है। देखो उलट पुलट सब चेक कर रही है कि उल्टा कौन सा है सीधा कौन सा है, चेक तो करना पड़ता है। जो माथे स्टिकर है थे, उसी दुओ है कहते के कस्टमर भाग जाते हैं। कस्टमर हाड़ी आकी जिंदगी पे रहते हैं, कम पड़ता हूँ दिखी है सीधी की है इन पास। कस्टमर भाग जाते हैं, उल्टा सीधा करके ले तो देखना अभी कितनी देर में सोई में धागा डालती है। देखो अभी इसको दिखाई कम देता है। हाँ ऐसे उजाले में बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए मैं बोला कम दिखाई देता है इसको। तो अभी ये सिलाई करने का काम, अभी देखो ये एक बार चेक करके साड़ी रख के बैठी थी, अभी फिर से डाउट में है उल्टा सीधा। उगुड़ी गई आज तुम्हें गाज है निम करें ते। बड़े प्यार से धीरे धीरे सिलाई कर रही है, छोटा छोटा काम है इसमें, बहुत देख देख के करना पड़ता है करके। तो काफी दिनों बाद इसका काम आया है सिलाई का। काम तो है पर टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं। कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है, तो ये रह जाता है। ये उधर साले के घर पे रहते नहीं थे क्या रे, पगड़ा में घर पे नहीं रहते थे।
चिंता पैसे परवाज जुजे पसे ये कॉम क्यों करे कॉम दे नहीं माए कॉम करू पड़े के हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और मैं अभी का आपको मौसम दिखाता हूँ। ये देखो अभी का मौसम है, अभी ऐसे बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कल भी ऐसा ही मौसम था लेकिन बारिश बिल्कुल आई नहीं। अभी भी बादल गरज रहे हैं लेकिन मेरे को उम्मीद बहुत कम ही है कि बारिश आज भी आएगी। वो हल्की फुल्की आती है, उसमें काम नहीं चलता है। जब तक खेत अच्छे से पानी से नहीं भर जाते तब तक कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ देखा का भी काम शुरू हो गया है बाहुबली वाला, ये देखो इसने भी अपना काम शुरू कर दिया। मैं भी बैल छोड़ के आ गया खेतों में। तो यहाँ पर बारिश आने जैसा मौसम है लेकिन इधर उधर से हवा आती है तो चला जाता है पूरा बादल। तो क्या करें, वो उसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो अभी हम अपना काम करते, वो अपना काम करेगा। और आप सभी फ्रेंड्स को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।